Udah, break lah. Udah, lagi nih nangai. हे गाइस, मैं हूं अरुण चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं सुबह के 10 और हम रुके हैं होटल खयूल में। कल भी पूरा दिन यहीं पे स्टे किया था, लोकल लेह एक्सप्लोर किया, और आज हमारा जो प्लान है वो है खारदुंगला डिस्ट्रिक्ट वगैरह जाने का। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और कल कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई, और अभी नीचे देखो हमारी बाइक हो रही है रेडी बिल्कुल। अमित अपना सामान पैक कर रहा है, मैंने कर दिया है, और अंदर अभी अभिषेक भी बिल्कुल रेडी हो रहा। तो ये है अपना रूम, देखो अंदर से। तो इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। रवि भाई मिलेंगे आपको, अभी मिलाता हूँ मैं आपको उनसे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टे था, पार्किंग है यहाँ पे, बाइक पार्किंग है प्रॉपर। तो चलो निकलते हैं यहाँ से खारदुंगला के लिए। खारदुंगला तो वैसे 35 किलोमीटर है, उसके आगे हम निकलते हैं हुंडर डिस्ट्रिक्ट। तो चलो दिखाएगा और आपका आएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो अमित और अभिषेक की बाइक है वो चेक पोस्ट के आगे अलाउड नहीं कर रहे हैं, और रीज़न ये है कि अमित और अभिषेक की जो बाइक है वो है रेंटल बाइक, दिल्ली से इन लोगों ने रेंट की है। तो लद्दाख में ये रूल है कि अगर आप ले से कहीं भी जाते हो, या पेंगोंग के साइड या खारदुंगला साइड, तो आपको आपकी खुद की बाइक होनी चाहिए। अगर आप रेंटल बाइक लेके आ रहे हो या किसी दोस्त की बाइक लेके आ रहे हो तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते। तो यहाँ पे बाइक रेंटल एसोसिएशन का एक चेक पोस्ट है, वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस ले मार्केट और देखते हैं कोई बाइक रेंटल शॉप और लेते हैं अमित और अभिषेक के लिए न्यू बाइक। बाइक है ना, कोई नहीं वेलकम करता है, जा सकते हैं। अब ये बोलता है कि मेरा फ्रेंड का है, तो वो भी बोलता है हमारा फ्रेंड का है। तो सारे बाइक फ्रेंड का नहीं होते। तू बना ले कि इनके साथ ये हो गया, बन गया है इनके साथ ये हो गया, इनको ऐसा कर दिया। ट्रेजेडी होगी, ट्रेजेडी तो नहीं होती है। मिल गया, मेरा भी मिल गया भी। हम परिवहन से निकल गया। तो अमित और अभिषेक ने बाइक रेंट ले ली है और अभी हम बस निकलने वाले हैं। थोड़ा सामान वामान सब फिक्स कर लिया है और चार्ज दिया है 1000 रुपये। काफ़ी लेट हो गया, 12:30 बज गए हैं सिर्फ अभी, बताओ ले मार्केट में घूम रहे हैं। तो याद रखना यार, आप लोग आओ यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान में रखना कि अपनी बाइक हो, अपने नाम से बाइक हो, अपने फादर की बाइक भी चल जाएगी, बट
किसी दोस्त या रेंटल की बाइक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे काकुंडा की तरफ जाने के लिए। तो चलो ऑल सेट और हम यहाँ से निकलते हैं। साउथ पुल्लू 14 खार जंगला टॉप 28 नॉर्थ पुल्लू 43। एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ यार इस ट्रिप में, बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ वापस में। ओहो सामने देखो, सामने क्या व्यू है यार, बेहतरीन। ड्राइव स्लो रीच सेफली, बिल्कुल सही बात है, स्लो स्लो चलाओ, धीरे धीरे पहुंचो, मज़े लेते हुए आगे बढ़ो, वही जल्दीबाजी नहीं है यार, दुर्घटना से देर भली, जल्दी पहुँचे क्या कर लोगे, आराम से पहुंचो, मज़े लेने आओ यार, रास्ते का मज़ा लो, ये ना सोचो किसी पहुंचना है मुझे वहाँ पे बाइक तेज चला के, यार कुछ नहीं मज़ा रखा उसमें, मज़ा इसी में है, स्लो स्लो चलो बिल्कुल मज़े में, और एक एक व्यू का मज़ा लो, एक एक जगह का मज़ा लो। देख रहे हो क्या व्यू है, देखो आप, बेहतरीन यार बेहतरीन, हैशटैग बेहतरीन में लगा देता हूँ इस सीरीज़ में, क्योंकि मैं बेहतरीन बहुत बार बोल रहा हूँ इस बार, तो हैशटैग बेहतरीन भी इस वीडियो में, मतलब जो सीरीज़ चलेगी उसमें मैं हैशटैग बेहतरीन भी लगाऊंगा। बेहतरीन है यार ये जगह, बहुत बेहतरीन है। खार दुंगला बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ठंड है, तंगलंगला में जब इतनी ज्यादा ठंड थी हालत खराब हुई थी बाइकिंग करने वहां पे, तो खार दुंगला नो डाउट मतलब हाईएस्ट मोटरेबल पास है वो, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होने वाली है वहाँ पे, तो बाकी पहुँच के देखते हैं क्या सीन कैसा होता है। शरीर को चीर रही है ये जो खार दुंगला टॉप है, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड पहले इसको बोलते थे, बट शायद अब एक दो जगह और हैं जो अपने आप को हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे क्लेम करती है, माना पास और उमलिंगला पास, ये दो पास हैं जो अपने आप को सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड क्लेम करते हैं। उमलिंगला पास पड़ता है आपका ये क्या नाम है हाले साइड, और माना पास तो आपको पता ही उत्तराखंड में पड़ता है। तो कोई नहीं, अभी हम तो कर रहे हैं खार दुंगला पास, जो क्लेम करता है कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये, हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, तो चलो हम चल रहे हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर और पहुंचने वाले हैं हाईएस्ट मोटरेबल पास पर। वो देखो है सफेद सफेद पहाड़, मेरा तो बहुत मन है स्कीइंग करने का, और अभी तक मौका लग नहीं पाया स्कीइंग करने का, होपफुली जल्दी मौका बनेगा स्कीइंग करने का भी। जब भी सफ़ेद पहाड़ देखता हूँ ना इस टाइप की, मेरा सीधा पहला मन करता है कि स्कीइंग करूँ। स्कीइंग का एक कोर्स होता है प्रॉपर, ऐसे करना बेकार होता है, आपका कोर्स करो
फिर आप यहाँ पे करने आओ तब मज़ा भी आता है। तो कोर्स भी मेरे को करना है स्कीइंग का। वेलकम टू खारदुंगला। तो हम पहुंच गए हैं खारदुंगला टॉप, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो हम इस समय टॉप पे, खारदुंगला टॉप पे बिल्कुल। खारदुंगला टॉप है, एक प्राउड वाली फीलिंग आ रही है यार। हर कोई यहाँ पे आके सेल्फी क्लिक कर रहा है, एक अच्छी फीलिंग आती भी है यार जब इतनी हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आप बाइक राइड करके आओ। एक राइडर का सपना होता है ऐसी जगह पे बाइक चलाने का, और आज ये सपना अभी पूरा हो गया। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए, और अभी अमित और अभिषेक ड्रेस कर रहे हैं ढाबे में। तो अब हम निकल गए हैं खारदुंगला से नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली यहाँ से करीब 90 किलोमीटर होगा। तो अभी कुछ देर ही बस ये बर्फ़ दिखेगी, उसके बाद पूरा डेजर्ट एरिया आ जाएगा। बहुत लोग को यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी खारदुंगला टॉप पे आके। क्या बात यार, टाइम हो गया है 4 और अभी और चलाने हैं 90 किलोमीटर। यहाँ से निकल जाए एक बार बस, फिर कोई दिक्कत होनी नहीं है। 5-7 किलोमीटर और बस ऐसा रूट होगा, ख़राब रोड भी ख़राब है एक तो। चलो 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 भाइयों, चलो रुको नहीं, बहुत सही सीज़न में लद्दाख ट्रिप प्लान की है। जितने भी पास मेरे रास्ते में, स्पेशली खारदुंगला, बारालाचला, रोहतांग पास और तांगलंगला, सब के सब बिल्कुल अल्टीमेट बेहतरीन व्यू था सब में। और अब कल एक और पास पड़ेगा, चांगला पास। कल नहीं पड़ेगा, शायद परसों पड़ेगा। हाँ परसों पड़ेगा, जब हम पेंगोंग से ले की तरफ आएंगे।
अभिषेक की बाइक देखो आप लोग, दुनिया का सामान भर रखा है इसने। सीन क्या हुआ, जब इन लोगों ने अभी रेंट करी है बाइक, तो सिर्फ एक में ही करियर था, तो जिसमें करियर है उसी में सारा सामान इन दोनों ने अपना लोड किया है। तो अभिषेक की ही बाइक में अमित का सामान भी है और अमित मस्त फ्री होके बाइक चला रहा है। और भाई दहेज का सामान लेके कहाँ जा रहा? अरे दूसरा दूसरा दूसरा, शाबाश शाबाश, चल रही बहुत बढ़िया। चलो चलो, अपना चीता पहुंच गया पतंगा। क्या बात है यार, वहां से आए हैं अभी हम और इधर जाना है। क्या बात यार, खारदुंगला माइटी खारदुंगला। क्या व्यू है, बेहतरीन व्यू है, बेहतरीन व्यू है, जबरदस्त। वो खड़ा है अपना चीता लौंडा। धूप है तो हम जिंदा हैं, वरना आधे तो मर ही चुके होते इस ठंड से, सफेद पहाड़ से। लगे ही ना, लगी नहीं ना कहीं। शिट यार, मेन सिम की नहीं समझ मारा, तो लाइट कैसे टूट गई? हाँ अमित तू चलाइए, अब इसको चलाने दे वाली। लगी नहीं ना, देख ले अभी ठंडे, पता नहीं चल रहा है, चेक कर ले एक बार। हाथ खोल, हाथ हाथ खोल, हाथ खोल, क्योंकि पता नहीं चलेगा ठंड है। सुन ऐसे एक बार स्क्वाट मार के देख, अभी थोड़ी पता चल ठंड है यार, तो पता नहीं चले कुछ। पैर सही उसमें जा रहे हैं ना, कैसे हुआ यार? चल चला ले थोड़ा, वहां तक चला देख पहले, चल रही नहीं चल रही। चलेगी बाइक में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कंफर्टेबल हो चलाने में। अभी छोटा सा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या मतलब, अभिषेक की बाइक स्किड कर गई, स्लिप कर गई, तो अभिषेक को चोट नहीं आई, थैंक यू गॉड, मतलब बंदा ठीक है बिल्कुल। बाइक में थोड़ी बहुत चोट आई है, हेडलाइट टूट गई है, थोड़ा बहुत बाइक में दिक्कत आई है, बट अभिषेक सही है।
तो अभिषेक की बाइक अब चला रहा है अमित, और अमित की बाइक चला रहा है अभिषेक, क्योंकि जो इन दोनों का सामान है वो अभिषेक की बाइक पे था। ओ ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या मिला? ओह ये क्या है, ओह ये क्या है, ये जंगली खरगोश चूहा पता नहीं क्या था, बहुत बड़ा सा था, जो भी हो आप लोग बताओ क्या है ये। तो हम क्या बात करते हैं, तो चलो निकलते हैं अब, रोड भी अच्छी आ गई है। तो हमारा जो इनरलाइन परमिट है वो पहले साउथ पुल्लू में चेक हुआ था, और यहाँ पे अब नॉर्थ पुल्लू में चेक हो रहा है। लोमड़ी लोमड़ी लोमड़ी, लोमड़ी, ओहो इसकी चोट लगी हुई है। वाह क्या बात, क्या हो गया? स्टार्ट करो आप। स्टार्ट नहीं हो रही इनकी बाइक। ओहो हो हो, चेन गिर गई। चेन कैसे चढ़ेगी सर? देखो साइड में गिरी हुई है पूरी। वो प्रॉब्लम होगा। इधर ले, इधर ले, चल गया, बहुत सही हो गया। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। हाँ हो गया, थैंक्स ब्रो। आपसे पहले बाइक की चेन एबीसी की, बाइक की चेन उतर गई थी, और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जीवन में बाइक की चेन लगा दी। तो प्राउड हो रहा है कि हाँ यार चलो बाइक का कुछ तो किया। तो चलो हम आ गए हैं पहुंच जगह थी कालसर, कालसर कुछ ऐसे करके जगह थी यार, वहाँ पहुंचने वाले हैं, 14 किलोमीटर है वहाँ पे। जो चीज़ें हम लोग टीवी में डिस्कवरी में या कहीं पे भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री में देखते थे, आज वो मेरी आंखों के सामने है। बेहतरीन व्यू है यार, फिर से बेहतरीन बोलूँगा मैं यार, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। फिदा हो गया फिर से मैं, अलग अलग रंग दिख रहे हैं पहाड़ के, बिल्कुल कहीं पे बिल्कुल खतरनाक स्नो, हाई अल्टीट्यूड, डेजर्ट, रिवर, पूरा कॉम्बो है यार। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, क्या बात है। देखो आप खुद देखो, वाह। वेलकम टू न्यू ब्रांच योक फैलीज, और वेलकम करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉगी साहब। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है नुब्रा वैली की, हो गया है हमारा वेलकम नुब्रा वैली में। हम हैं इस समय खलसर विलेज में, बिस्किट 2229।
तो ये जाता है डिस्कट और इस साइड निकलता है किधर पैनामिक साइड, तो हमें जाना है डिस्कट। फंस गई। लो भाई दुनिया की गाड़ियां फंसी हुई हैं। अबे भाई क्यों ले जा रहे हो यार रेत में? अबे जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी नहीं है वो काम क्यों कर? डेजर्ट। हेलो बाय। हम पहुंच गए हैं डिस्कट और अभी हम देख रहे हैं कोई गेस्ट हाउस या होटल। ज़बरदस्त दिन रहा यार आज का, बेहतरीन मज़ा आ गया आज राइड करके। बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू मिले, बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। पिज्ज़ा एंड बिरयानी मिल गई। बंद है क्या? तीन बंदे